लेकिन वो कहते हैं कि जीवन में तीन तरह के जो जितने रोग हैं, वात, पित्त, कफ, इनकी कुल संख्या मैंने आपको सबसे पहले दिन बोली थी, 148 रोग हैं लगभग भारत में, दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ भारत। तो भारत में वात, पित्त, कफ के कुल 148 रोग हैं। बागवती जी कहते हैं हर रोग को खत्म करने की शक्ति अकेली अगर किसी एक वस्तु में है तो ये गोमूत्र है। लेकिन वो कहते हैं कि ये गोमूत्र एक ऐसी चीज है जो वात, पित्त, कफ तीनों को सम में लाने के लिए सबसे ज्यादा मदद करता है। अब ये तो उन्होंने लिख दिया 3500 साल पहले, तो जरूर कुछ ऑब्जर्वेशन किए होंगे। हमको इस पर भरोसा कम होता था, जब ये बात मैंने पहली बार पढ़ी तो भरोसा कम होता था कि क्या अद्भुत चीज बता रहे हैं वो, वात, पित्त, कफ तीनों को एक साथ सम में ला सकता है, थोड़ा सा मामूली हेर फेर करना पड़ेगा पित्त के रोगियों के लिए, बाकी के लिए तो कुछ नहीं करना। तो फिर हम लोगों को जब शक हुआ कि शायद ये इतना असरकारी नहीं हो सकता, तो गौमूत्र पर हम लोगों ने कुछ परीक्षण किए। हमारा एक बहुत बड़ा समूह है इस देश में, तो उसमें बहुत तरह के लोग हैं, वैज्ञानिक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वगैरह वगैरह। तो कुछ वैज्ञानिक और डॉक्टरों ने मिलकर कहा करके देख लो, बागवती जी कह रहे हैं तो हो सकता है जरूर इसमें कुछ गंभीर बात हो, करके देखो। तो जब करके देखना शुरू किया तो पिछले लगभग 5-6 वर्षों में गोमूत्र पर हजारों परीक्षण किए, हजारों। सबसे पहले तो उसका हमने केमिकल एनालिसिस कराया कि आखिर गोमूत्र है क्या। तो सबसे ज्यादा उसमें पानी है, पानी के अलावा क्या है, तो पता चला पानी के अलावा उसमें कैल्शियम है, तो पता चला पानी के अलावा उसमें सल्फर है, पानी के अलावा उसमें आयरन है, पानी के अलावा उसमें ऐसे जीवन के 18 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो शरीर को बहुत ही उपयोगी है। पानी तो है ही गोमूत्र में, आपके भी मूत्र में पानी है, लेकिन पानी के अलावा उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आपके मूत्र में नहीं है, मनुष्य मूत्र में नहीं है। कैल्शियम है, आयरन है, सिलिकॉन है, बोरॉन है, एफी है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, ऐसे 18 सूक्ष्म पोषक तत्व। अब मैं आपको पहले दिन की बात याद करा रहा हूं, ये 18 सूक्ष्म पोषक तत्व तो एक साथ अगर किसी चीज में है तो मिट्टी में है, मिट्टी, खेत की मिट्टी में, और दूसरी अगर किसी चीज में एक साथ है तो गाय के मूत्र में, दूसरी कोई भी चीज में अगर है तो गाय के मूत्र में। पहली चीज जिसमें है मिट्टी और दूसरी कोई चीज तो गोमूत्र। ये जो संपूर्ण घटक वाली एक पेय पदार्थ है या द्रव्य पदार्थ है, इसके बारे में वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है, चमत्कारिक है। तो हमको लगा कि करके देख लो, तो इसका पहले हम लोगों ने केमिकल एनालिसिस कराया एक लेबोरेटरी में, गाय का मूत्र डिब्बे में भर के दिया, शीशी में भर के, कि जरा देखो इसमें क्या है। तो 6 महीने के बाद, लगभग 8 महीने के बाद, लखनऊ एक शहर है भारत का जिसका बड़ा नाम है, बड़ा जिक्र है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां पर एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है, उसका नाम भी बता दूं ताकि आप चाहें तो उनसे कंफर्म कर लें। प्रयोगशाला का नाम है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारत में दवाओं पर, औषधियों पर काम करने वाली ये सबसे बड़ी संस्था है। तो इनके यहां सबसे पहला टेस्टिंग हुआ, शीशी में भरा गोमूत्र हमने दिया और 3-4 तरह के गोमूत्र दिए, एक तो वो जर्सी गाय होती है ना, जर्सी गाय, विदेशी गाय, उसका भी दिया, होलिस्टियन फ्रीजियन जाति की गाय का दिया, और जो भारत की गाय है, देशी गाय अपनी, उसका दिया। तो वैज्ञानिकों ने 6 से 8 महीना लगाया, फिर रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के बाद पता चला कि शरीर की बीमारियों को खत्म करने के लिए जितने घटक चाहिए वो सब गोमूत्र में है, सबके सब, सबके सब है। अब जैसे मैं आपको नाम लेके कहूं, आपको त्वचा का कोई भी रोग हो गया, कोई भी रोग हो गया त्वचा का, तो इसका माने आपके शरीर में एक घटक कम हुआ, घटकों की कमी से ही रोग होते हैं, वो घटक का नाम है सल्फर, एक केमिकल कम होता है जिसका नाम है सल्फर। जिनको भी स्किन डिसीज होंगी उनके शरीर में सल्फर कम हो जाएगा, यह है बात। अब गाय के मूत्र में भरपूर मात्रा में है सल्फर, भरपूर। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये त्वचा रोग वालों को इकट्ठा करके सल्फर चाहिए, तो सल्फर हम चाहें तो होम्योपैथी में दे सकते थे उनको, सल्फर चाहें तो आयुर्वेद में भी दिया जा सकता था, हमने ना होम्योपैथी में दिया ना आयुर्वेद में दिया, उनको कहा भाई गोमूत्र में सल्फर है और आपको सल्फर की जरूरत है तो आप पी के देख लो।
तो उनमें से कुछ ने पिया, कुछ ने नहीं पिया, कुछ को लगा कि कैसे पिए हैं इसमें वगैरह वगैरह, बहुत सारी तकलीफें हैं। वो एक आदमी तो मुझे कहता था, राजीव भाई इतनी बास आती है कैसे पी सकता हूं, और वो रोज एक बोतल दारू पी लेता था, गोमूत्र पीने में उसको बास आती थी। तो मैं उसको समझाता था, भैया दारू की जो बास है उससे अच्छी तो ये है, लेकिन वो माना नहीं। खैर, जिन लोगों ने पी लिया, हमने देखा कि सवा महीने से ही उनके त्वचा का रंग बदलना और उनका जो रोग है वो बदलना शुरू हुआ। तीसरे महीने तक आते आते संपूर्ण रोग ठीक। और क्या क्या रोग ठीक हुए? सोराइसिस ठीक हुआ, जो कभी ठीक नहीं होता, आप जानते हैं। एलोपैथी वाले तो कहते हैं सोराइसिस ठीक ही नहीं होता। सोराइसिस के बारे में वो कहते हैं कि आदमी मरे तो ठीक होता है, ये भाषा है डॉक्टरों की। तो वो सोराइसिस ठीक हुआ। एक्जिमा तो इतने आसानी से ठीक हुआ कि बहुत ही आसान। खुजली, खाज, दाद, सब तरह के त्वचा रोग ठीक हुए। तो बात समझ में आई कि बागवट्टी जी सही कहते हैं। फिर हमने इसका एक्सपेरिमेंट घुटने दुखने वालों पे किया, घुटने दुखते हैं, कमर दुखती है, कंधा दुखता है, और देखा कि रिजल्ट बिल्कुल सही है, 15 से 20 दिन में ही असर है। फिर हमने इसका प्रयोग कफ वालों पे किया, खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, 20-20 साल की खांसी है, 25-25 साल की खांसी है। अब आप जानते हैं 20-25 साल की खांसी तो दमाही हो जाती है, या तो टीवी में बदल जाती है। तो उसमें देखा तो इतना तीव्र असर है इसका कि अगर आप ट्यूबरकुलोसिस के किसी भी पेशेंट को सरकार का इलाज कराएं, आप खुद कर लें ये एक्सपेरिमेंट, मैं तो 20 बार कर चुका। सरकार का इलाज आप जानते हैं, गोलियां, डॉट्स की गोलियां टीवी के मरीजों को देते हैं और कहते हैं हम फ्री में बांट रहे हैं। तो एक आदमी को आप बोलो कि डॉट्स खाए और इलाज कराए, और दूसरा ऐसा ही आदमी पैरेलल ले लो जिसको टीवी है, अस्थमा है, दमा, उसको को नहीं, तुम सिर्फ गोमूत्र पियो और कुछ मत करो, फ्रेश गोमूत्र माने फ्रेश, जो ताजा। तो आप देखेंगे कि वो डॉट्स की गोली खाने वाले को 4 महीने से 6 महीने लगेंगे और ये गोमूत्र पीने वाले को 1.25 महीने से 2 महीना ही लगेगा और ठीक होगा। और ये एक बार ठीक हुआ गोमूत्र पी के, इसको दोबारा टीवी नहीं आएगी, क्योंकि गोमूत्र बीमारी ही ठीक नहीं करता, प्रतिरोधक शक्ति इतनी बढ़ा देता है कि वो बीमारी भविष्य में दोबारा ना आए। तो समझ में आया कि बागभट्ट जी तो कुछ गलत नहीं बोल गए, सही। फिर हमने और एक एक्सपेरिमेंट किए कि जिनको डॉट्स दी जा रही है, ऐसे कुछ मरीज एम्स में हमने चिन्हित किए। ज्यादा एक्सपेरिमेंट हमने एम्स के डॉक्टरों की मदद से किए। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के कुछ मरीज जिनको डॉट्स दी जा रही है, नियमित रूप से टीवी के लिए वो आते हैं, उनको शीशी में भर भर के ये दे दिया, और ये नहीं कहा कि ये गोमूत्र, क्योंकि कहो तो खाए नहीं और पिए नहीं, उनको कहा ये बहुत अच्छा सीरप है, आप इसको पीते रहो। अब वो आते थे, शिकायत करते थे कि ये कैसा सीरप है, इसमें कुछ बास सी आती है, दूसरे सीरप तो मीठे मीठे लगते हैं, कि भाई ये सीरप दूसरे तरह का है। तो उनको बताएं तो पिए नहीं, और हमारा एक्सपेरिमेंट हो नहीं तो हमें तो करना था, तो उनको बताया गया। तो ये हमने देखा कि डॉट्स का जो काम करने का है, डॉट्स माने उसके जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसके घटक जो शरीर पर काम हो रहे हैं, गोमूत्र पीते ही उनके काम करने की शक्ति 20 गुने से 40 गुनी बढ़ गई। डॉट्स तो काम कर ही रही है, लेकिन गोमूत्र के साथ जब डॉट्स दी गई तो वही उनकी बीमारी जो 6 महीने में खत्म होने वाली थी, वो 2-2.25 महीने में संपूर्ण जड़ से ठीक हो गई। फिर जब वो ठीक हो गए, तब उनको हमने बताया कि भैया वो शीशी में भर के जो दिया था वो गोमूत्र था। तो तुरंत नाक चढ़ गई उन्हें, ठीक हो गए। कहते हैं जी आपने तो बहुत अच्छा कर दिया, हमको हमारी संभावना नहीं थी कि हम जिंदा भी बचेंगे, लेकिन नाक तब भी चढ़ गई। तो ये जो नाक चढ़ती है हमारी, ये अब कम कर दीजिए इसको चढ़ाना। गाय का मूत्र अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। इसके हम एक्सपेरिमेंट करते करते 48 रोगों तक पहुंचे हैं आज। 48 डिसीज हैं, 48 रोग हैं, वात के, कफ के, पित्त के, तीनों के जड़ से खत्म होते हैं। अभी जो लेटेस्ट हम काम कर रहे हैं आज की तारीख में, जब मैं आपसे कह रहा हूं, इस समय ज्यादा काम हो रहा है कैंसर पे, कि गोमूत्र का कैंसर पे असर देखो क्या होता है। तो गले का कैंसर, आहार नली का कैंसर और पेट का, इन तीन कैंसरों पर सबसे अच्छे परिणाम है गोमूत्र के, तीनों कैंसर पे। बाकी जो रक्त का कैंसर है उसमें परिणाम अभी उतने अच्छे नहीं है। तो बागवट जी के जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है, मतलब कि गोमूत्र में ये मिलाओ और ये मिलाओ और इतनी मात्रा में मिलाओ और इतनी, वो करके देख रहे हैं।
और वो करके देखने के लिए एक बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है इस देश में। आप कभी भी वहां जा सकते हैं, 11 फरवरी से काम करना शुरू कर देगा। वलसाड में बन रहा, वलसाड, वलसाड आपने सुना है गुजरात में। तो वलसाड के कुछ जैन समाज के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने दिल दिखाया और दान दे दिया जितना चाहिए था। मैंने हॉस्पिटल बनाने के लिए, आप जानते हैं आसान नहीं है, और कैंसर हॉस्पिटल के लिए तो थोड़ा मुश्किल है, तो उन्होंने भरपूर दान दे दिया, जगह भी दे दी, तो हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया। 11 फरवरी से काम शुरू हो जाएगा। जो वैज्ञानिक गोमूत्र पर काम कर रहे थे पिछले 6-7 साल से, वो सब इकट्ठे होकर वलसाड में बैठेंगे और सिर्फ कैंसर पे काम करेंगे, क्योंकि बाकी काम तो करके देख चुके हैं, वो सब में अच्छा है, हर बीमारी में काम आ रहा है। कैंसर में करेंगे, और हर तरह के कैंसर में करेंगे, गर्भाशय के कैंसर में करेंगे, रक्त कैंसर में करेंगे, ब्रेन ट्यूमर जो कैंसर में कन्वर्ट होता है उसमें करेंगे। और शायद हमें लगता है 1-1.5 साल के बाद मैं दोबारा आपको मिलूंगा तो इस पर बहुत विस्तार से बात करूंगा कि कैंसर में क्या रिजल्ट है। 3 तरह के कैंसर के रिजल्ट तो अभी बता सकता हूं, गले का, आहार नली का और पेट का, ये तो बहुत अच्छे से ठीक हो रहा है, लेकिन बाकी कैंसर में भी इसका कोई असर है। आपने कैंसर के बारे में जितना कुछ सुना है उसमें से एक बात मैं कहूं कि आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि शरीर को कैंसर तभी होता है जब शरीर में एक केमिकल कम होता है, उस केमिकल का नाम है करक्यूमिन। ये आज के वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके निकाला है, करक्यूमिन नाम का एक केमिकल है, ये कम है तो जरूर तो खत्म होगा आदमी, कैंसर आएगा और खत्म होगा। और इस केमिकल की कमी से जो कोशिकाएं होती हैं वो अनकंट्रोल्ड होती है, उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, तो ये एक दूसरे के साथ मिलकर एक जूथ जैसा बना लेती है, वो ट्यूमर हो जाता है, फिर ट्यूमर बाद में ब्लास्ट होता है और फिर वो मैलिग्नेंट होता है, पहले बिनाइन फिर मैलिग्नेंट और फिर अंत में कहते हैं जी डेथ ही है और कुछ है नहीं, उसमें कंट्रोल के बाहर है वो सब। सारे वैज्ञानिक इसमें लगे हुए। अब संयोग की बात देखिए कि जिस करक्यूमिन की बात आज के वैज्ञानिक कर रहे हैं वो करक्यूमिन भरपूर मात्रा में गोमूत्र में है, भरपूर मात्रा में, और एकदम डाइजेस्टिबल फॉर्म में है। डाइजेस्टिबल माने तुरंत पियो और असर करे, ऐसा देर नहीं लगे, ये कुछ ऐसा संयोग है प्रकृति का। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये तत्व कम होता है तभी कैंसर होता है। अब यही तत्व गाय के मूत्र में है तो हजारों साल पहले बागवत की कही हुई बात अब सिद्ध हो जाएगी, साल भर में तो सब मान लेंगे। अब तक जितने रिसर्चेस हुए हैं गोमूत्र पर, इन पर भारत सरकार के सामने रिपोर्ट्स पेश की गई। भारत सरकार की जानते हैं एक काउंसिल है जिसका नाम है MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इनके पास सब कुछ जाता है सबसे पहले, तो वो सब गया तो MCI वालों ने नाक चढ़ाई बहुत, ये क्या आप ले आए गोमूत्र, ऐसा बात करते हैं, ये क्या ले आए गोमूत्र, माने उनको लगता है कि ये तो बेकार की चीज है गोमूत्र। अब उनका कुतर्क क्या है वो जरा देखो, कुतर्क, तर्क है तो चलो अच्छा है हम उनसे संवाद कर सकते हैं समझा, कुतर्क करते कहते जी ये गोमूत्र इतना ही अच्छा होता तो गाय छोड़ती क्यों इसको शरीर से। जब हमारा झगड़ा हुआ ना MCI वालों से, आधुनिक डॉक्टरों से, और उन्होंने ये कुतर्क करना शुरू किया कि क्या फालतू बात करते हैं गोमूत्र इसमें कुछ है क्या, मैंने कहा भैया बहुत कुछ है, नहीं तो कोई मूर्ख नहीं था जो 3,500 साल पहले इसको लिख के चला गया। और उसके बाद भी कई लोगों ने कहा, वैद्यों ने कहा, कई वैद्य हैं जो बिना आपको बताए गोमूत्र देते रहते हैं और आपको ठीक करते रहते हैं, उनके बहुत सारे काढ़े बहुत सारी दवाएं गोमूत्र में बनाते हैं, आपको नहीं बताते ये अलग बात है, क्योंकि हर वैद्य मुझे यही कहता है बता दो तो नाक चढ़ जाती है सबकी, नाक चढ़े तो थोड़ा रेजिस्टेंस आता फिर दवा का असर कम हो जाता, तो बिना बताए देते रहते। तो हमको कॉन्फिडेंस था तो डॉक्टरों से जब झगड़े हुए हमारे आज के डॉक्टरों से तो उनका पहला ही कुतर्क था जी अच्छा होता तो गाय छोड़ती क्यों, खुद ना रखती उसको। तब मुझे मेरी पुरानी एक बात याद आई, मेरी दादी मां हमेशा मुझे कहा करती थी, वो कभी स्कूल में नहीं गई कॉलेज में नहीं गई लेकिन ज्ञान बहुत था उसको। हमारे देश में ऐसा ही है, जो स्कूल कॉलेज में नहीं गए वो सब ज्ञानी है। ये मेरा 15 साल का 100% तजुर्बे का हिस्सा है, इसमें कोई कमी नहीं है, जो स्कूल नहीं गए कॉलेज नहीं गए बहुत ज्ञानी है, उनके पास नॉलेज बहुत है, फंक्शनल नॉलेज जिसको हम कहते हैं, ऑपरेटिव और फंक्शनल नॉलेज उनको जबरदस्त है, और वो इतनी
ज्ञान की बातें कई बार कर जाते हैं कि हमारा सिर घूम जाता है। तो बागवट जी ने कह दिया, उसके बाद बहुत सारे वैद्यों ने अनजाने में ये किया कि बागवट जी कह गए इसलिए गोमूत्र में घिस के दो, हरडे है ना, गोमूत्र में ही घिस के दो तो ज्यादा लाभ करती है, पानी में घिस के दो तो कम लाभ करती है, ऐसे ऐसे। तो मैंने उन वैज्ञानिकों से झगड़ा ले लिया इसी आधार पर कि ये बोला है, हजारों साल किया है, ये अलग बात है कि रिपोर्ट्स नहीं रखी उन्होंने, तो ठीक है हम निकाल के देंगे आपको। तो उनका एक ही कुतर्क था कि जी मूत्र इतना अच्छा होता तो गाय क्यों छोड़ती इसको, आपका मूत्र अगर इतना अच्छा होता तो आप क्यों छोड़ते इसको। फिर बाद में मुझे दादी की बात याद आई कि दादी ये कहती थी कि ये गाय नहीं है, माता है, माता है, माता। वो कभी भी हम कहते थे गाय तो वो कहती थी गाय मत बोलो, गो माता, या तो माता बोलो नहीं तो गो माता। गाय नहीं बोलने दिया कभी भी उसने, क्योंकि गाय बोलना वो कहती थी अपमान है उसका, तो गो माता है। अब माता जो होती है हर जरूरी चीज बच्चे के लिए छोड़ती है, ये आप सब जानते हैं। बच्चा उत्पन्न हुआ तो उसको सबसे ज्यादा जरूरी है दूध, तो मां दूध छोड़ना शुरू कर देती है, बच्चे होने के पहले तक नहीं है, वो बच्चा होने के बाद ही है। तो माता के बारे में ये कहा जाता है, मां की परिभाषा इस देश में है कि हर जरूरी चीज जो उसके बच्चे को चाहिए वो छोड़ती है। तो मुझे लगा गाय भी माता है तो ये बहुत जरूरी चीज है शायद हमारे लिए, मूत्र तो ये हमारे लिए शायद छोड़ती है, हम मूर्ख हैं कि उसको इकट्ठा नहीं करते, बेकार जाने देते हैं। तो वैज्ञानिकों को मैंने कहा भाई हमारे यहां तो ये कहा जाता है कि ये गाय नहीं है माता है, तो मां कुछ जरूरी चीज हमारे लिए छोड़ती है तो शायद ये जरूरी हो। तो उनका अच्छा ठीक है, अब आप बहुत जोर दे रहे हो, और हमने कई तरह का प्रेशर डलवाया था उनके ऊपर, तो चलो करके देख लेते हैं। फिर एम्स के और एमसीआई के वैज्ञानिकों ने काम किया, और काम करने के बाद 8 महीने के बाद वो कहते हैं बात आपकी बिल्कुल सही है, ये गोमूत्र हमारे लिए ही गाय छोड़ती है, हमारे लिए ही छोड़ती है, हमको बीसियों बीमारियां हैं जो इससे ठीक होती है, लेकिन मूत्र जीवन के आखिरी दिन तक देती है। और उस मूत्र से हमने करके देख लिया, वैज्ञानिकों ने मान लिया कि 48 बीमारियां तो जड़ से ठीक हो जाती हैं। ये बीमारियां क्या क्या हैं फिर से सुना देता हूं, जोड़ों के दर्द सब तरह के, किसी भी स्तर के जोड़ों के दर्द, पित्त की बीमारियां किसी भी तरह की, कफ की बीमारियां किसी भी तरह की, गोमूत्र से ठीक होती है। आप बोलेंगे इसको लेना कैसे चाहिए, बागवट जी ने इसका तरीका यह बताया है कि गोमूत्र लेना हो तो उसका सबसे अच्छा समय है सवेरे का, सवेरे का समय बताया है, अच्छा है सवेरे गोमूत्र लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए, तो ये मात्रा बागवट जी बोलकर गए कि जो बहुत ज्यादा बीमार हैं, बहुत बीमार हैं, उनको एक दिन में 100 ग्राम, 100 ग्राम नहीं कहा है लेकिन जो मात्रा दी है वो ग्राम के बराबर है, और 100 ग्राम बोल रहा हूं ताकि समझ में आए, नहीं तो उनकी मात्रा बोल दी तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन वो लगभग 100 ग्राम। तो जो बहुत बीमार है उनको 100 ग्राम, 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर माने एक कप जो चाय का है ना उसमें 150 ml चाय आती है, 150 मिलीलीटर, तो उसका पाव कप मान लो। ये बीमार, बहुत बीमार, बहुत बीमार लोगों के लिए, और वो कहते हैं कि इसको आधा आधा करके लो तो और अच्छा है, तो आधा एक बार ले लिया, आधा दूसरी बार ले लिया, और जिस समय लें पेट खाली रहे तो नाश्ते के पहले। अब पेट खाली दो समय रहता है दिन में, एक तो सुबह सुबह, और दूसरा जब भोजन के बाद आप 4 घंटे निकल जाए ना तो पेट लगभग खाली हो जाता है, तो शाम को ले सकते हैं बीमार लोगों। और जो बीमार कम है या स्वस्थ हैं, निरोगी हैं और लेना चाहते हैं, उनको एक ही बार, तो 50 मिलीलीटर की मात्रा उन्होंने बताई उसके लिए, स्वस्थ कम बीमार 50 मिलीलीटर। 50 मिलीलीटर माने एक कप का तिहाई हिस्सा, 1/3, तो ये आप ले सकते हैं। अब जिस गाय का मूत्र आप ले रहे हैं उसके बारे में एक छोटी जानकारी उन्होंने जोड़ी उसमें, वो ये कहते हैं सूत्र में कि गाय जो मूत्र पीने लायक माने औषधि के रूप में देती है, वो गाय को पैदल चलना बहुत आवश्यक है, माने वो चले दिन में, घूमे टहले। बांधी हुई गाय जिसको आप चलने ही मत दो, घर में ही बंधी रहे, उसके मूत्र के बारे में बागवट जी कहते हैं कि वो उपयोगी नहीं है। जर्सी गाय के मूत्र में 3 ही घटक हैं और देशी गाय के मूत्र में 18 घटक हैं। जो कुछ मिट्टी में है वो गाय के मूत्र में है। बागवट जी कहते हैं आंख के कोई भी रोग, आंख के
सभी रोग कफ के रोग हैं जो आंख में हैं, जैसे मोतियाबिंद हुआ, ये कफ का रोग है, कैटरेक्ट जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, ग्लूकोमा, ग्लूकोमा एक रोग है ना, काला पानी, काला, रेटिनल डिटैचमेंट एक रोग है जिसका तो दुनिया में कुछ भी इलाज ही नहीं है, रेटिनल डिटैचमेंट का ऑपरेशन भी नहीं है उसका, हो भी तो सक्सेस नहीं है। आप अमेरिका चले जाओ और किसी डॉक्टर को कहो रेटिनल डिटैचमेंट का, तो कहेगा ऑपरेशन कर सकता हूं, गारंटी नहीं है विजन आएगा कि नहीं। तो रेटिनल डिटैचमेंट, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, और आंखों में छोटी मोटी बीमारियां बहुत हैं, आंखें लाल होना, आंखों से पानी निकलना, आंखों में जलन होना, तो छोटी छोटी से लेकर सबसे खराब बीमारी रेटिनल डिटैचमेंट, ये सब गोमूत्र से ठीक होती है, क्योर होती है, शब्द पे ध्यान देना, कंट्रोल नहीं, क्योर होती है, जड़ से खत्म होती है। आप बोलेंगे जी क्या करें, बस इतना ही करना है कि देशी गाय का मूत्र कपड़े से छानकर एक एक बूंद आंख में डालें। आप में से किसी को चश्मा उतारना है अगर अपना, तो जरूर डालें, 3 महीने में आप लगातार डाल के देख लीजिए, नंबर बदल जाएगा और 1.5-1.5 महीने में चश्मा उतर जाए। ग्लूकोमा बिना ऑपरेशन ठीक होता 4-4.25 महीने में, कैटरेक्ट अगर आपको डिसॉल्व करना है 6-6.25 महीने में ठीक हो जाता है, रेटिनल डिटैचमेंट को 1 साल लगता है, लेकिन लगातार गोमूत्र डालते रहिए एक एक बूंद, बस इतना पर्याप्त है। आंखों में बच्चों के कान बह रहे हैं, कान आप जानते हैं छोटे छोटे बच्चों के कान में मवाद निकलता है, बस 2 या 3 दिन एक एक बूंद कान में गोमूत्र की डाल दीजिए, पूरा कान साफ हो जाएगा, मवाद निकलना बंद। बच्चों की पसलियां बहुत तकलीफ की स्थिति में हो, बच्चों की आप कई बार महसूस करते हैं ना, उनको बलगम जमा हो गया, कफ जमा हो गया, तो ऐसे बच्चों को 1 चम्मच गोमूत्र पिला दो, एक ही दिन के बाद वो सारा कफ उतर जाएगा। आपको पीना है तो आप भी पी लो, आधा कप तक पी सकते हैं। फिर उसके बाद मूत्रपिंड के जितने भी रोग हैं, मूत्रपिंड के रोग आप सब समझते हैं, किडनी के फेलियर के और किडनी के तकलीफ के, ये सब में बहुत अच्छी दवा है गोमूत्र, उपयोग करो गाय का मूत्र आधा कप, किडनी फेलियर के सब केसेस में आप उपयोग कर सकते हैं, मूत्र के कोई भी रोग में उपयोग कर सकते हैं, जैसे पेशाब थोड़ा थोड़ा आता है, गोमूत्र पीना शुरू करो खुल के आएगा, पेशाब में जलन होती है गोमूत्र पीना शुरू करो जलन बंद, पेशाब कई बार लाल रंग का आता है गोमूत्र पीना शुरू करो नॉर्मल कलर होगा। मूत्र के लगभग 22-23 रोग इस अकेले गोमूत्र से ठीक होते हैं। फिर आपको कब्जियत बहुत है, कब्जियत, पेट साफ नहीं हो रहा है, 3 दिन गोमूत्र पी लो आधा आधा कप, 4th दिन से एकदम पेट साफ होगा, एकदम पेट साफ। फिर आपके शरीर में बीसियों रोग हैं, वात के, कफ के, पित्त के, आप उसमें उपयोग कर सकते हैं। पित्त के रोगों के बारे में भागवत जी की एक बात याद रखना कि गोमूत्र पित्त के रोगी जब भी लें तो वो घी का उपयोग ज्यादा करें। पित्त के रोगी आप समझते हैं गैस बन रही है, एसिडिक, ये लोग अगर गोमूत्र पिए पित्त ठीक करने के लिए तो घी ज्यादा खाएं, बस इतना ही निवेदन है उनका, बाकी वात और कफ वाले तो कुछ भी करें। तो बाल में उपयोगी, शरीर में गोमूत्र की मालिश करो आप, तो आपकी त्वचा पर जितने भी सफेद सफेद धब्बे हैं ना सब चले जाएं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल है, रोज सुबह ऐसे ऐसे गोमूत्र लगा लिया करो, डार्क सर्कल चले जाएंगे आप। खाज हो गई, खुजली हो गई, एक्जिमा हो गया, थोड़ा मालिश कर लो, सब खत्म हो जाएगा। तो ये गाय का मूत्र अद्भुत है। अब इस गोमूत्र को ज्यादा आज के समय में लोगों ने उपयोग करने के लिए एक टेक्निक डेवलप की है कि प्योर गोमूत्र मिले तो वैसे सबसे अच्छा होता है, लेकिन क्या करते हैं आजकल के गोमूत्र को उबालते हैं तो उसकी वाष्प बनती है, वाष्प को ठंडा करके अर्क बनता है, अर्क, अर्क तो आप समझते हैं, तो गोमूत्र अर्क भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मेरा कहना है कि प्योर मिले तो सबसे अच्छा, नहीं मिले तो अर्क ले सकते हैं, नहीं मिले तो, लेकिन अर्क ज्यादा नहीं लेना, अर्क सूक्ष्म मात्रा में ही लेने के लिए भागवत ने नियम दिया है। वो ये कहते हैं कि अर्क अगर लेना है तो 1 चम्मच पर्याप्त है, मूत्र पीना है तो आधा कप पर्याप्त है, अर्क लेना है तो 1 चम्मच पर्याप्त है, तो अर्क भी ले सकते हैं। अब बहुत लोग अर्क बना रहे हैं गोमूत्र का, आपको जो अच्छा लगे ले सकते हैं, ये निरंजन भाई भी बना रहे हैं, इनसे भी ले सकते हैं, ये यहीं पर इनकी गौशाला चला, आप भी गौशाला बनाएं तो उसमें भी अर्क बन सकता है, और अर्क बाजार में 500 रुपए लीटर बिकता है, बड़े बड़े वैद्य खरीदने को तैयार हैं। आप खाली गोमूत्र से अर्क ही बनाना शुरू कर दो, एक गाय 2.5 से 3 लीटर मूत्र देती है, और 100 गाय अगर आपके पास हैं तो साल की इनकम 1 करोड़ की आराम से हो जाएगी।
अर्क बेच के ही हो जाए। अर्क के बाद जो बचता है ना, जिसको हम कचरा समझते हैं, उससे साबुन बनता है, साबुन। और इतना अद्भुत है वो साबुन कि शरीर के त्वचा रोग खत्म कर देता है। अर्क निकालने के बाद जो बचता है उससे शैंपू भी बनता है, साबुन भी बनता है, वॉशिंग पाउडर भी बनता है, आपका फर्श साफ करने के लिए वो जो आप फिनाइल वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, ये गोमूत्र अर्क का भी बनता है फिनाइल। गाय के गोबर से टाइल्स बनना शुरू हो गए इस देश में, टाइल्स समझते हैं जो छत में लगाते हैं, और वो लगा दो तो टेम्परेचर 5 डिग्री कम कर देता है, टेम्परेचर 5 डिग्री कम कर दे। तो ऐसी अद्भुत गाय भगवान ने हमको दी, प्रकृति ने दी, इसका संरक्षण संवर्धन हम करें, मूत्र का उपयोग करें, गोबर का उपयोग करें, घी का उपयोग करें, दूध का उपयोग करें गोमूत्र पर। मैंने उसके कुछ सूत्र आपको बताए, आप आज से ही इनका पालन करें अपने जीवन में और सुखी रहें, निरोगी बनाएं। ये जितनी भी बातें मैंने कही हैं ये किताबों में है। गोमूत्र चिकित्सा पर विशेष किताब हमने बनाई है, उसमें भागवत के 64 सूत्र हैं, सब तो नहीं लिए, 64 सूत्र हैं, वो आप चाहें तो ले जा सकते हैं। और भागवत चिकित्सा में गोमूत्र का उपयोग होने लगे, मेरा लक्ष्य तो वो है, पुस्तक ज्यादा लोगों तक जाएगी तो तभी ये हो पाएगा। और मैं अकेला कितनी छाप छाप के बांटूंगा, मेरी एक लिमिट है, लेकिन सब अगर यही करने लग जाएं तो लिमिट टूटेगी, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। इस पे CD भी बनाई है, पुस्तक भी है, आप चाहें तो ले ले। आपने कहा कि गोमूत्र में सबसे ज्यादा कर्क्यूमिन है, लेकिन हल्दी में भी कर्क्यूमिन है। हाँ, वो कल बात करने वाला हूं, हल्दी की बात कल आएगी। हल्दी में भी बहुत कर्क्यूमिन है और एंटी कैंसरस सारी प्रॉपर्टी हल्दी में है। गोमूत्र वैसे ताजा हो 48 मिनट में पी लेना चाहिए, बोतल में भर के 4-5 दिन तक रख सकते, कांच की बोतल। गाय के बारे में आपने बहुत कुछ बताया, अच्छा है। गाय का पंचामृत जो होता है वो इतना शुद्ध होता है जिसकी कोई हद नहीं। सही बात, मैंने इसका सदुपयोग किया है, पांचों चीजों को जिसको मिलाकर के आप ले तो जिंदगी भर की जैसी जैसी बीमारी हो वो आपकी दूर हो जाती है, उसके बारे में आप बताते हैं। गाय का दूध, गाय का घी, गाय का मूत्र, थोड़ा गाय के गोबर का रस और ये सब मिलाकर थोड़ा गुड़, ये है पंचामृत। इसमें गुड़ की जगह शहद भी मिला सकते हैं, क्योंकि दूध में वैसे शहद नहीं मिलाते लेकिन गाय के मूत्र के साथ चलता है, घी में शहद नहीं मिलाते लेकिन गाय के मूत्र के साथ चलता। तो पंचामृत बनाने की विधि पुस्तक में है, आप ले लो। ये पंचामृत का इनका जो रिजल्ट है वो पूरे देश में वैसा ही रिजल्ट है, वात पित्त कफ तीनों पर एक साथ काम करता है, बहुत गहराई से असर करता है। अच्छा, गाय के मूत्र के बारे में मैंने आपसे कहा था तो उस पर प्रश्न आए हैं 4-5। गोमूत्र सही गाय का है या उसको कोई बीमारी है, किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, अगर गोमूत्र सही नहीं है तो उस हाल में क्या करना चाहिए। मैं आपको विनम्रतापूर्वक एक एक्सपेरिमेंट जो हमने किया वो बता देता हूं। गाय को हमने 6 साल जहर खिलाया, एक गाय पर ये एक्सपेरिमेंट हमने किया, 6 साल जहर खिलाया, सबसे खराब जहर खिलाया, उसका नाम है संखिया, अंग्रेजी में कहते हैं आर्सेनिक। तो हमने गाय को दिया, चारे में मिलाकर दिया, बहुत मामूली मात्रा में, क्योंकि हम जानते हैं ज्यादा देंगे तो गाय मर जाएगी। हमें यह देखना था कि यह थोड़ा थोड़ा जहर देते हैं तो उस पर असर क्या आता है। तो 6 साल जिस गाय पर हमने ये प्रयोग किया वो गाय अभी भी जीवित है, अभी भी जीवित है और स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। हमने हर बार उसको संख्या दिया और हर दिन उसके मूत्र में टेस्ट किया, आया कि नहीं आया, क्योंकि ऐसे कहते हैं ना, खाओ तो सब कुछ आने ही वाला है मूत्र में और ब्लड में। तो 6 साल लगातार उसको संख्या खिलाने के बाद भी उसके मूत्र में 1.0000 में चले जाएं उतना भी संख्या कभी नहीं आया। अद्भुत है ये। अब मुझे पुरानी बात इसमें जोड़नी है, बहुत लोग कहते हैं ना गाय के गले में शंकर भगवान का निवास है, वो शायद शंकर जी ने पी लिया। शंकर जी तो मशहूर है ना खराब से खराब जहर पीने के लिए, तो शायद गले में शंकर जी हैं गाय के, तो वहीं रुका। और सच में हमने ये देखा, इसमें मैं एग्जेजरेशन नहीं कर रहा हूं, आप चाहें तो वो गाय कभी भी आके देख सकते। हमने उसके गले के आसपास महसूस किया 6 साल में एक ब्लू कलर का रिंग बन गया है, ब्लू कलर का, और वहां से ब्लड निकाला, उसको टेस्ट किया तो उसमें पूरा संख्या है,
माने आर्सेनिक है, गले के नीचे वो गया ही नहीं, गले में ही रुक गया, शंकर भगवान ने शायद रोक लिया। तो आप बेखटके गाय का मूत्र पी लीजिए, आपके दिल में ऐसा लग रहा है वो कचरा खा रही है, आप चिंता मत करिए, ये कचरा जाएगा नहीं उसके मूत्र तक, भगवान ने उसके शरीर में ऐसी व्यवस्था करके रखी हुई है। लेकिन अच्छा ये होगा आपके दिल और मन की तसल्ली के लिए कि गाय अच्छा चारा खाती हो, साफ सुथरे वातावरण में रहती हो और नियमित घूमने के लिए जाती हो, उसका मूत्र जरूर पिएं, वो सबसे ज्यादा लाभकारी तो है। लेकिन कुछ मजबूरी आ गई, मजबूरी से मतलब मैं समझाना चाहता हूं, आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहां गाय कचरा ही खाती है और आपको ऐसी कोई गाय मिली नहीं रही है जो शुद्ध चारा खाती हो और बराबर घूमने जाती हो, और आप किसी बीमारी से तड़प रहे हैं, परेशान हैं, और वो बीमारी में आपको गोमूत्र चाहिए ही, तो बिना संकोच के ले लें, उसका हानि तो नहीं करेगा, कुछ फायदा ही कर जाए। गोमूत्र के बारे में अब तक की जो रिसर्चेज हैं वो ये हैं कि इसके साइड इफेक्ट है नहीं। शरीर पता है क्या करता है, आपने मूत्र ज्यादा भी पी लिया तो ये शरीर 20 मिनट के बाद उसको पेशाब के साथ अपने आप ही निकाल देता है, रहने ही नहीं देता उसको। तो थोड़ा ज्यादा पी लिया या खराब पी लिया वो निकल ही जाएगा, जो काम का है उतना ही रह जाएगा। अब गाय का ऐसा बना भगवान ने बनाया है, इसलिए भागवत जी कहते हैं कि ये विशेष तरह का एक जानवर या प्राणी है जो भगवान ने बहुत सोच समझ के बनाया। तो गाय के बारे में इतना।